हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। माय नेम जतिन दवे फ्रॉम आसापुरा स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 14th कंटिन्यू वीडियो फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 मेंस्युरेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4, इसकी सॉल्यूशंस। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको क्लेरिफिकेशन दे दे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 11.5, बट दिस एक्सरसाइज इज नॉट एक्चुअली 11.5। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो ये एक्सरसाइज है 11.4, जो कि पेज नंबर 191 पर है। फिर से एक बात आपको याद करा दें, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4, जो कि आपके टेक्स्चुअल पेज नंबर 191 पर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इट्स सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। टू फाइंड हाउ मच इट कैन बी होल्ड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट and to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it। ये था हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था to find how much it can hold। आंसर है in this situation we will find the volume, तो हमें इसके लिए इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन था number of cement bags required to plaster it, इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग की ज़रूरत होगी। तो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया, तो इसके लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। और तीसरा क्वेश्चन था टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर, तो इस सिचुएशन में वी विल फाइंड द वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 मीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। Diameter of cylinder B is 14 cm and height 7 cm. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders and check whether the cylinder with a greater volume also has greater surface area. The height and the diameter of this cylinder A and B are interchange. We know that. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, एंड इफ द मेजर्स ऑफ आर एंड एच आर सेम देन द सिलेंडर विथ अ ग्रेटर रेडियस विल हैव द ग्रेटर एरिया। रेडियस ऑफ द सिलेंडर ए इज इक्वल टू 7/2 cm एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 cm। So as the radius of the cylinder B is greater, therefore the volume of cylinder B will be greater. Now let's verify it by calculating the volume of both the cylinder. सबसे पहले volume of cylinder A के लिए pi r square h value substitute करते हुए 22/7 multiply 7 by 2 into 14 centimeter cube. Finally answer हमें मिलेगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी के लिए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7 × 7 × 7 × 7 आंसर मिलेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू पाई 2πr इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक इसी तरह से सिलेंडर ए के लिए 2 × 22/7 × 7/2 स्मॉल ब्रैकेट में 7/2 + 14, 7/2 रेडियस है और 14 हाइट है। सिंप्लीफाई करेंगे आगे बढ़कर, 7 7 2 2 कैंसिल आउट होगा, बाहर रहेगा 22 और ब्रैकेट में 7 + 28/2 35/2 करेंगे। सो 22 × 35/2 सिंप्लीफाई करते हुए 385 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी के लिए 2πr × r + h फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूशन करने से 2 × 22/7 × 7 तो
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 7 + 7 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. दस द सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन द सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए. लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. So therefore, base area of the cuboid is equal to length multiply breadth is equal to 180 centimeter square. Volume of cuboid is equal to L into B into H. So therefore, now compare both the given. Volume of cuboid is equal to 900 centimeter cube equal to 180 centimeter square multiply height. 180 centimeter square is the base area of the cuboid. So 900 divided by 180 equal to the height. So finally, we get height is equal to 5 centimeter. Thus, the height of the cuboid is equal to 5 centimeter. One more question, question number 4 here. A cuboid is of the dimension 60 centimeter multiply 54 centimeter multiply 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? So first of all, volume of cuboid is equal to 60 multiply 54 multiply 30 centimeter is equal to 97,200 centimeter cube. Now side of the cube is equal to 6 centimeter and therefore volume of the cube is equal to 6 cube is equal to 216 centimeter cube. Therefore, required number of the cubes is equal to volume of the cuboid divided by volume of the cube is equal to 97,200 divided by 216 equal to 450. Thus, the 450 cubes can be placed in the given cuboid. Next question, number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. So diameter of the base is 140 centimeter and therefore the radius of the base is equal to 140 divided by 2 is equal to 70 centimeter, and now we convert into meter, so 70 divided by 100 meter. So therefore the volume of cylinder is pi r square. Now compare from use the given values. Volume of cylinder is equal to 1.54 meter cube equal to pi 22/7 multiply radius square 70 by 100 whole square multiply h. So therefore h is equal to, by using the cross multiplication, h is equal to 1.54 multiply 100 divided by 22/7 and finally we get h is equal to 1 meter. Thus the height of the cylinder is 1 meter. एक और क्वेश्चन आपके साथ. अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. रेडियस ऑफ सिलेंडर है 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ सिलेंडर 7 मीटर है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट अप करते हुए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 आंसर मिलेगा 49.5 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. देयरफॉर रिक्वायर क्वांटिटी इज 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 49,500 लीटर. देयरफॉर 49,500 लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन दिस टैंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. If the age of a cube is double, then question number 1, how many times will its surface area increase and how many times will the volume increase? सबसे पहले केस 1 देखते हैं. Let the initial the age of the cube be 1, L. Initially the age of the cube be L, therefore initial surface area is 6L square. If each edge of the cube is double, then it becomes 2L. So new surface area is equal to 6 into 2L whole square is equal to 24L square. That means 4 into 6L square, matlab 4 times of the initial. Clearly the surface area will be increased by 4 times. Now in the second case, initial volume of the cube is equal to L cube. When each edge of the cube is double, it's become 2L and therefore new volume is equal to 2L cube is equal to 8L cube. That means 8 multiplied by L cube.
Clearly, the volume of the cube will be increased by 8 times. Okay, now question number 8 is the last question. Water is pouring into cuboidal reservoir at the rate of the 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, then find the number of hours will take to fill the reservoir. Here, सबसे पहले volume of the cuboidal reservoir is equal to 108 meter cube. 108 meter cube को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 meter cube equal to 1000 liter. So therefore 108 multiply by 1000, total हमें मिलेगा 1,8,000 liter. 1,8,000 liter. It is given that the water is being poured at the rate of the 60 liter per minute. 60 liter water अंदर poured होता है per minute tank के अंदर. So that is 60 multiply 60 L equal to 3600 liter per hour. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में 3600 लीटर पानी टैंक के अंदर जमा होता है. सो दैट्स वाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल टू 30 आवर्स. तो इसका मतलब यह हुआ इट विल टेक द 30 आवर्स टू फिल द रिसर्वियर. पूरे रिसर्वियर को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 मेंस्युरेशन को लेकर 14th और लास्ट एक्सप्लेनिंग वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 को लेकर हमने आपके सामने टोटल 14 एक्सप्लेनिंग वीडियोस रखे हैं. इस वीडियो में हमने आपके सामने फॉर्मूला किस तरह से डिरेव होता है ये भी आपको बताया है. ऑल टेक्स्ट इलुस्ट्रेशंस भी आपको समझाए हैं. न सिर्फ इलुस्ट्रेशन समझाए हैं, हमने आपके साथ ऑल 4 एक्सरसाइजेस और इसके टोटल ए टोटल ऑल क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं. इस उम्मीद के साथ कि आपने इस पूरे लेसन को आपके नोट में नोट डाउन कर लिया होगा. सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास और कन्वर्सेशंस जो हमने आपको सिखाए थे वो भी आपने नोट डाउन किए होंगे. टेक्स्ट इलुस्ट्रेशंस और ऑल एक्सरसाइजेस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेंगे. नेक्स्ट वीडियो के द्वारा फिर से न्यू लेसन शुरू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर योरसेल्फ.